हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल कैसे अटैच करते हैं। एक्चुअली दो तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा सा लेंदी है, दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान है, कोई बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आसान तरीके से समझेंगे। तो दोनों मेथड वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले वो वाला मेथड समझेंगे जिसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगना है, उसके बाद आसान वाला मेथड भी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो फाइल दिखा देता हूँ जो मैं यहाँ इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पर ऐड करूंगा। तो ये देखिए, डेस्कटॉप पर ये मैंने सेव कर रखा है सैंपल वर्ड फाइल, इसी फाइल को मैं यहाँ पर अटैच करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना है इंसर्ट टैब पे। ये देखिए, ये है इंसर्ट टैब, यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और हमको जाना है ऑब्जेक्ट पे। ये रहा ऑब्जेक्ट, इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल है, तो हमें क्लिक करना है क्रिएट फ्रॉम फाइल पे। ठीक है, उसके बाद हमको जाना है ब्राउज बटन, आपको यहाँ दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए और अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जो आपने डेस्कटॉप पर सेव कर रखी है उसको वहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कहीं से भी, जहां पर भी आपने सेव कर रखी है वहां से आप उठा सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर रखी है इसलिए मैं डेस्कटॉप पर आ गया हूं। तो मैंने इसको यहां से सेलेक्ट किया और यहां देखिए इंसर्ट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि वो फाइल यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये तो हुआ, मतलब थोड़ा सा लंबा मेथड है। अब आसान मेथड क्या है, देखिए इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और इस फाइल को पकड़ करके आपको ला करके यहाँ छोड़ देना है। तो बस आप देखेंगे कि ये फाइल यहाँ पर अटैच हो गई। ये सिर्फ अटैच ही नहीं हुई, ये ओपन भी हो जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये फिर से ओपन हो